वेलकम टू हेल्दी हो मैं डॉक्टर राहुल वर्मा मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ आज हम बात करेंगे बच्चों को कैसे काम रखा जाए कि बच्चे में एकदम से एक टैंपर टेंट्रम या गुस्सा आया कि एकदम से एंग्री हो गया बच्चा तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए ये एक बहुत ही दयनीय सिचुएशन हो जाती है पेरेंट्स के लिए कि एकदम से बच्चे ने रोना शुरू किया ज़मीन पे लेट गया टैंपर टेंट्रम थ्रो किए सो पेरेंट्स को लगता है अच्छा चल ये ले ले तो कुछ किसी भी तरह चुप हो जा बट यही चीज़ अगर हम करते रहेंगे तो बच्चों को इन चीज़ों से बढ़ावा मिलता है बच्चे को तो एक ही चीज़ मालूम है कि मुझे रोना है पंद्रह मिनट रोना है आधा घंटा रोना है एक घंटा रोना है ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं रोया हूँ और मेरे को वो चीज़ ना मिली हो सो इसलिए बच्चे के माइंड में ना का मतलब पता होना चाहिए तो किसी भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी सिचुएशन अराइज़ होती है घर में कि बच्चा कुछ मांग रहा है तो आपके पास दो ही जवाब है या तो हाँ होगा या ना होगा अगर आपने सोच समझ के हाँ कर दिया तो कहानी ख़त्म आपने बच्चे को वो चीज़ दे दी वो चीज़ सिचुएशन रिजॉल्व होगी अगर बहुत सोच समझ के आपने ना किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा तो वो किसी भी कीमत में फिर वो वापस वो हाँ पे कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए आपको कैसे भी करके उसको सिचुएशन को हैंडल करना है आप बेस्ट होता है कि आप बच्चे को दूसरे कमरे में ले जाइए और माइंड डाइवर्ट कीजिए या बहुत ही ज़्यादा बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ है तो आप उसको वहाँ छोड़ दो जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे बच्चे को इंजरी हो जाए आप उसको छोड़ दीजिए आप अपने रूटीन जो काम कर रहे हो तो घर में किचन में या ड्राइंग रूम में वो करने लगे जब बच्चा देखेगा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा तो वो अपने आप उठ के आ जाएगा ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना का मतलब होता है अगर आपका बच्चा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर पे आ जाते हैं कि अपना ही सर फोड़ने लगेंगे या हेड बैंगिंग या चीज़ें उठा के फेंकने लगेंगे उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के बच्चे को रिस्ट्रेन करना है कि आपको बच्चे को गोदी में लेके अच्छे से पकड़ के थोड़ी देर के लिए बैठाना है मारना पीटना नहीं है पहली चीज़ ज़रूर समझना है कि एग्रेशन अगर हम भी एग्रेसिव हो गए तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो बच्चे को रिस्ट्रेन करना है कि वो अपने आप को या आसपास के लोगों को आ, किसी तरह की चोट ना पहुँचाए और थोड़ी देर उसको रिस्ट्रेन करके आप दूसरे कमरे में ले जाइए किसी और चीज़ में माइंड डाइवर्ट कीजिए तो ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं पर हर चीज़ का अगर उसको हाँ का जवाब मिलता रहा तो आगे चल के आपके लिए बहुत सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी किसी भी दुकान के सामने लेट जाएगा कि मेरे को एक खिलौना दिलाओ नहीं तो मैं नहीं जा रहा तो इट कैन बी वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन ऑल्सो फॉर यू सो आप इसको थोड़ा फॉर्मली करेंगे और कभी भी लग रहा है आपको कि हालत हाथ से निकलती जा रही है सो so, हमारे पास बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट कहते हैं हम जो बिहेवियर और डेवलपमेंट को कैसे मैनेज करते हैं उनसे आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हो वो आपको और टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे टैंपर टैंटर्म्स को हैंडल करना है कैसे एग्रेसिव बिहेवियर को हैंडल करना है या फिर और कोई बच्चे में जो एंग्रीनेस है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है